बिल्कुल सही कहा जाता है कि जब आपकी सीखने की चाह अर्जुन जैसी है तो आपको आपके द्रोणाचार्य जरूर मिल जाएंगे। और ये लाइन बिल्कुल सटीक पे बैठती है एसपी स्मार्ट स्कूल्स के लिए, जो अपने छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए हमेशा से उनकी प्रशंसा करता हुआ नजर आता है। इसी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो क्लास 12th की बोर्ड परीक्षाएं, जिसका रिजल्ट पिछले कुछ दिनों पहले निकला था, उसमें 23 बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं और उनकी प्रशंसा करने के प्रयास के चलते स्कूल की तरफ से एक्सचेंज रोड परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो जिया पठानिया, जो कि अपनी शिक्षा में बेहतर तो प्रदर्शन किया ही है, साथ ही साथ काफी मेहनती छात्रा है, उन्हें भी 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इसी तरीके से आर्ट्स में पहला स्थान प्राप्त करने वाली साक्षी शर्मा को भी 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे समारोह की अगर बात करें तो कुल 23 छात्रों को उनके माता पिता के साथ जो है छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ माता पिताओं की या छात्र छात्राओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्कूल जो है निरंतर अपना समर्थन देता हुआ नजर आता है। इस अवसर पर अगर बात की जाए तो प्रभा गुप्ता, जो कि संस्थापक ट्रस्टी हैं एसपी एजुकेशन ट्रस्ट की, उनके साथ शिल्पा गुप्ता ट्रस्टी एसपी एजुकेशन ट्रस्ट, कुलदीप राज गुप्ता एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सहित अन्य वरिष्ठ स्टाफ जो है मौजूद नजर आया। उन्होंने छात्रों का सम्मान किया, उन्हें बधाई दी और उन्हें आगे बेहतर भविष्य के लिए जो है प्रोत्साहित किया। स्कूल की अगर बात की जाए तो स्कूल की कई और ऐसी चीजें हैं जिन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है, परंतु वहीं अगर बात करें प्रभा गुप्ता, जो कि एसपी स्मार्ट स्कूल की ट्रस्टी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आत्मविश्वास हो और अपने सपनों को पाने की कोशिश हो तो सफलता जरूर आपके पांव छूती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। गुड आफ्टरनून, जैसे आप सबको पता है अभी थोड़े दिन पहले 12th क्लास का JNK का बोर्ड एग्जाम निकला था, उसी के आज इन कोऑर्डिनेशन विद द रिजल्ट वी हैव कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट ऑफ एसपी स्मार्ट स्कूल जम्मू एंड एसपी स्मार्ट स्कूल सरोड, हु हैव कॉल्ड अपॉन इन स्कूल फॉर फैसिलिटेशन। टुडे आर को फाउंडर श्रीमती प्रभा गुप्ता विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट विद स्कॉलरशिप। जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट निकले हैं, जिनकी पोजीशन आई हैं, उन सब बच्चों को यहाँ पर बुला के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एट द सेम टाइम जिन बच्चों को इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने आने वाले एग्जाम्स में इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। जो हमारे पर विश्वास करके हमारे पास आ रहे हैं उनको अपने हार्दिक दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि आगे भी कहीं भी जाएं वो इस स्कूल का नाम रोशन करें कि हम उस स्कूल से पढ़ के आए हैं तो हमारी पढ़ाई ऐसी होती है। शिवांग तो बहुत ध्यान देता है लेकिन टीचर भी हमारे पास वही टिकता है जो हमारी सुनता है, और वो खूब मेहनत करवा रहे हैं, बच्चे तरक्की कर रहे हैं। एक गरीब घर के बच्चे, मेरे स्कूल में पियन, उसका बेटा 99% मार्क्स लेके मेडिकल में फर्स्ट पोजीशन लिया। दूसरी माई का बेटा, उसने भी इतने ही मार्क्स लिए हैं और फोर्थ पोजीशन लिया है। बाकी मेरे ख्याल में 100 पोजीशन तो हमारे स्कूल की ही हैं। तो ये सारी मेहनत जो है गुप्ता साहब का आशीर्वाद है, शिवांग को अपने पापा का बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब वो गए थे दुनिया से वो बिल्कुल पढ़ता था बेचारा, लेकिन उसने सारा बार संभाल लिया। अपनी बहनें, एक रशिया में थी एक बेंगलोर में थी, उनको भी मेडिकल करवाया। देखो उम्र देखो उसकी, और मैं जितनी हो सकती थी मैं पूरी हेल्प करती थी, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की है। अपना भी उसने संभाला, स्कूलों को भी संभाला, बच्चों का तो बड़ा ध्यान रखा ना, जो नहीं दे सकते हैं फीस उनको फ्री पढ़ाया। कई हमारे ऐसे थे बेचारे नहीं पढ़ा सकते थे बच्चों को, उनको हमने फ्री पढ़ाया और वो आजकल बड़ी दूर दूर तक पहुंचे हैं, और हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे दूर जा रहे हैं। ये सारा जो कारगर्दगी है ये शिवांग की है। उसको रात को नींद भी आती है तो इन्हीं की चीज़ों की आती है कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और बड़ा ध्यान देता है। भगवान करे उसकी जो कामयाबी है दूर दूर तक पहुँचे और वो तरक्की करता जाए और बच्चों को पढ़ाता जाए। और पापा का नाम एसपी गुप्ता, उन्हीं का नाम था, उसी से स्कूल है, उनका रोशन करता रहे। थैंक यू।